सीरियस लर्निंग में खुश आमदीद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिटर्न अवेलेबिलिटी, कैसे हम रिटर्न अवेलेबिलिटी को मालूम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले हम एक फ्लाइट की अवेलेबिलिटी मालूम करते हैं, उसके बाद इसकी रिटर्न अवेलेबिलिटी मालूम करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको अवेलेबिलिटी मालूम करने का तरीका बताया था, उसके बाद अब मैं इसकी रिटर्न एक फ्लाइट को डिस्प्ले करता हूँ, फिर उसकी रिटर्न अवेलेबिलिटी मालूम करता हूँ। चलिए स्टार्ट करता हूँ। अवेलेबिलिटी के लिए मैं यहाँ ए टाइप करता हूँ, उसके बाद मैं डेट टाइप करता हूँ, कौन से डेट पे एक कस्टमर जाना चाहता है और कहाँ से जाना चाहता है। लंदन से हीथ्रो एयरपोर्ट से, इसके अगर हम इनकोड करें तो इसका इनकोड बनेगा LHR और कहाँ जाता है इसराइल। इसको हम इनकोड करें तो इसकी इनकोड बनेगी TLV। इसके बाद हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये हो गया फ्रॉम लंदन टू इसराइल। अब हम इसकी वापसी रिटर्न अवेलेबिलिटी मालूम करते हैं। तो मैं यहाँ ए टाइप करता हूँ, उसके बाद रिटर्न के लिए मैं यहाँ आर टाइप करता हूँ, उसके बाद मैं कौन सी तारीख की इसको वापसी है, 5th October। तो मैं एंटर कर सकता हूँ, ये हो गया रिटर्न अवेलेबिलिटी। आज का हमारा जो वीडियो था वो रिटर्न अवेलेबिलिटी पे था। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।